बड़ी देर वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। बच्चों ने सोचा कि उन्हें काम करना चाहिए और इस उद्देश्य से स्वयं पानी पीने गए तो सुराहियाँ लुढ़क गईं और मटके भी गिर गए। ये भला काम करेंगे? करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो? खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। एक दिन फर्शी दरी पर सारे बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से भर गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। बुरा हाल हो गया सबका। अम्मा ने हमें आंगन में भेजा है, चलो झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से भरी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सारे बच्चे नल पर टूट पड़े। इस कुश्ती में कुछ कीचड़ में लथपथ हो गए। उन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ बढ़ी लेकर मुर्गियां हांकने लगे, चल दौड़बे दौड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मार कर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब छपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे ही लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी।
वे चार भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर फिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोर पर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस को बांधने के उद्देश्य से झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चार भाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल टूट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, बाकी बछड़ा पी गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब हम सब ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मिलकर पानी भी नहीं पियेंगे।